नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। तो अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड की मुख्य खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड में भी सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा ऐसा करना जरूरी है। उत्तराखंड में लंपी वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक तकरीबन 8000 से ज्यादा गायों में लंपी वायरस फैल चुका है। अधिकतर मामले हरिद्वार, देहरादून और उधमसिंह नगर से सामने आए हैं। हरिद्वार के खड़खड़ी क्षेत्र की एक दुकान के अंदर विशालकाय अजगर का वन विभाग ने रेस्क्यू किया है। इस दौरान क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा। अजगर की लंबाई करीब 10 फीट बताई जा रही है। अल्मोड़ा के पांडेखाला के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में पिता और छोटी बहन के साथ स्कूल जा रहे 9 साल के निर्मल की हुई दर्दनाक मौत। घटना के बाद परिजनों में छाया मातम का माहौल। यूट्यूबर बॉबी कटारिया के घर गुरुग्राम जाकर कैंट कोतवाली पुलिस ने कुर्की का नोटिस किया चस्पा। कई दबिश देने के बावजूद नहीं चढ़ा था हत्थे, जिसके चलते शनिवार को कोर्ट ने किया था कुर्की का वारंट जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का एक सप्ताह के भीतर भर्ती कैलेंडर होगा जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया यूके ट्रिपल एससी परीक्षाएं हुई रद्द। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से दिसंबर में होंगी परीक्षाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दून मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने मरीजों से बातचीत भी की। वहीं कुछ व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई, जबकि कुछ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। अगले 24 घंटे के अंदर 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ इलाकों में तेज गर्जना के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े कई अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। गंगोत्री यात्रा पर आए गुजरात के तीर्थयात्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब तक 240 की जा चुकी है जान। चंबा से ऋषिकेश जा रही एक स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो फिलहाल उत्तराखंड की मुख्य खबरों में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।